हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि भोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है जियोनेंथस। मैं आपको बताऊँगी कि इसका स्फेयर ऑफ एक्शन क्या है और क्लिनिकली आप कौन कौन सी कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, इसका डोज क्या है। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जियोनेंथस एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इसका स्फेयर ऑफ एक्शन है लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज। लीवर से रिलेटेड बीमारियों के लिए आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। जियोनेंथस एक बहुत ही अच्छा लीवर टॉनिक है। अगर किसी पर्सन का लीवर वीक है या फिर लीवर प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, पर्सन को बार बार लीवर में इन्फेक्शन होता है, डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है, तो वहाँ पर आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को फैटी लीवर की कंप्लेन है, उनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कंट्रोल में नहीं रहता है और डाइट उनकी अच्छी नहीं है, टाइम से वो खाना नहीं खाते हैं, उसके वजह से अगर किसी पर्सन को फैटी लीवर की कंप्लेन हो रही है, लीवर एंजाइम्स प्रॉपरली सीक्रेट नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। लीवर प्रॉब्लम में ऐसे देखा जाता है कि पर्सन को डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ भी खाते हैं तो वो उन्हें डाइजेस्ट नहीं होता है और उन्हें वॉमिटिंग होने लग जाती है। पर्सन को लॉस ऑफ एपेटाइट की कंप्लेन हो सकती है, उन्हें भूख नहीं लगती है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। जियोनेंथस मेडिसिन आप कोलेस्टेसिस जैसी कंप्लेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को बाइल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, बाइल एक तरीके का फ्लूइड होता है जो लीवर सिक्रीट करता है, बाइल रिस्पॉन्सिबल है डाइजेशन के लिए, स्पेशली फैट के डाइजेशन के लिए बाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी रीज़न की वजह से अगर बाइल जो सीक्रेट नहीं हो रहा है या फिर अगर सीक्रेट होता है लेकिन उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उसका फ्लो रिड्यूस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। जियोनेंथस मेडिसिन लीवर इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी पर्सन को लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन हुआ है, स्पेशली अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस की कंप्लेन है, उन्हें जॉइंडिस हो रहा है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को ज़्यादा एल्कोहल के वजह से लीवर कंप्लेंट्स हो रही है, उन्हें डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है या फिर उन्हें जॉइंडिस की कंप्लेन हो रही है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। जियोनेंथस मेडिसिन गॉल ब्लैडर की कंप्लेंट्स के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को गॉल ब्लैडर में स्टोन हो चुका है, अगर किसी पर्सन को गॉल स्टोन के वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी खाते हैं वॉमिटिंग होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को गॉल ब्लैडर में पॉलिप हो रहा है, तो ऐसे लोग भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। जियोनेंथस मेडिसिन स्प्लीन से रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर स्प्लीन का एनलार्जमेंट होने लग जाए, स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाए, कई सारी बीमारियाँ होती है जिसमें पर्सन को स्प्लीन में एनलार्जमेंट हो सकता है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को क्रॉनिक मलेरिया की कंप्लेन है, उन्हें मलेरिया हुआ था, उसके बाद उनका स्प्लीन एनलार्ज हो चुका है, लीवर में प्रॉब्लम हो रही है, वॉमिटिंग होने लग जाती है, जॉइंडिस हो रहा है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। जियोनेंथस मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन जैसी कंप्लेन के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को IBS की कंप्लेन है या फिर अगर किसी पर्सन का लीवर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, उन्हें डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है और उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, स्टूल पास नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के वजह से पर्सन को पाइल्स की कंप्लेन हो जाती है, तो उस कंडीशन के लिए भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। जियोनेंथस मेडिसिन क्रॉनिक हेपेटाइटिस जैसी कंप्लेन के लिए भी यूज़ की जाती है। किसी भी तरीके का हेपेटाइटिस हो, चाहे हेपेटाइटिस ए हो या बी, कोई भी हेपेटाइटिस हो, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ये किसी भी तरीके का वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर लीवर में होता है, तो वहाँ पर आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। जियोनेंथस मेडिसिन मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर किसी फीमेल के मेंसेस प्रॉपरली टाइम पे नहीं आ रहे हैं या फिर उन्हें एक्सेसिव ब्लीडिंग की कंप्लेन है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि मेंसेस से पहले फीमेल को बहुत ज़्यादा पेन होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, तो ऐसी फीमेल इस मेडिसिन का यूज़ कर सकती है। जियोनेंथस मेडिसिन एक तरीके का आप टॉनिक की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये वीकनेस, एग्जॉशन, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करता है, उन्हें फैटिक फील होती है, फिजिकल या मेंटल किसी भी तरीके के वीकनेस के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। जियोनेंथस मेडिसिन हेडेक जैसी कंप्लेन के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर आपको क्रॉनिक हेडेक की कंप्लेन है, आपको माइग्रेन होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं।
अब मैं आपको चियोनैंथस मेडिसिन का डोज बता देती हूँ कि आखिर आपको कौन से डोज में इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। तो आप इस मेडिसिन को मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस मेडिसिन को मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करते हैं तो आपको 10 to 15 ड्रॉप हाफ कप पानी में डाल के इस मेडिसिन को दिन में 3 बार यूज़ करना होगा एम्प्टी स्टमक। सो फ्रेंड्स, ये था चियोनैंथस मेडिसिन। मैंने आपको बताया कि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है और क्लिनिकली कौन कौन सी बीमारियों में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।